मध्य प्रदेश में कमल, राजस्थान में कमल, छत्तीसगढ़ में कमल की लगातार बढ़त और कमल को खिलाने वाले कार्यकर्ताओं का उत्साह इन तीनों राज्य में देखते ही बन रहा है। तीनों प्रदेशों में एक ही चेहरा जो सबकी जुबान पर था, जिसकी गारंटी पर सबको यकीन और विश्वास था, वो चेहरा था नरेंद्र मोदी का और उनके द्वारा दी गई गारंटी का, जो कांग्रेस की फ्री रेवड़ी पर भी भारी पड़ गया। बीजेपी कार्यकर्ता जमकर जश्न मना रहे हैं। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस कार्यकर्ता भी जश्न में डूबे हुए। मध्य प्रदेश की इन तस्वीरों को देखिए, कार्यकर्ता जबरदस्त उत्साह में हैं, जश्न में डूबे हुए हैं, ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरक रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। कहीं पटाखे जल रहे हैं तो कहीं मिठाइयां खिलाई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में सत्ता गंवानी पड़ सकती है, लेकिन देश के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी का चेहरा और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई गई लाडली बहना योजना ने कमल खिलाने का काम किया और नाथ यानी कांग्रेस के कमलनाथ को काफी पीछे धकेल दिया। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है, उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला, चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली और इसलिए मैंने पहले भी कहा था हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। वहीं राजस्थान में भी कमोवेश हालात ऐसे ही रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब उत्साह देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ता गजब उत्साह में डूबे हुए हैं। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि बिना चेहरे के उत्तरी राजस्थान में बीजेपी ने अशोक गहलोत की सभी योजनाओं को धाराशाही कर दिया। राजस्थान में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, जिसका परिणाम है कि पूरी पार्टी जश्न में डूबी हुई है। पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम कर रहे थे, इस जीत का आधार वही है और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। देखिए सरकार इस लाल डायरी में इस सरकार का हर एक काला चिट्ठा है और इस 5 साल में इन्होंने जो काले कारनामे में किए हैं, इन्होंने जो जनता को लूटा है, इन्होंने जो जनता के प्रति वादा खिलाफी की है, ठगी की है, जालसाजी की है, उसका परिणाम है कि जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। इस बार कितने पार? देखिए मैं शुरुआत से कह रहा हूँ 135+ और ऊपर कितने जाएंगे ये अब शाम को पता लगेगा। इससे इतर जहाँ कांग्रेस को सबसे ज्यादा भरोसा था वो राज्य था छत्तीसगढ़, जहाँ भूपेश बघेल के सभी किए कराए पर पानी फिरता नजर आया। यहाँ भी बिना कोई चेहरा घोषित किए बीजेपी मैदान में उतरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और गारंटी ने कमल खिलाने का काम किया। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं।
जिसकी गवाही तस्वीरें साफ बयां कर रही है। जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया, ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। बहरहाल तेलंगाना में कांग्रेस को जरूर जीत की संजीवनी मिलती नजर आ रही है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव को सेमीफाइनल माने तो बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।